बनाते नहीं, मोटर व्हीकल अकाउंट नहीं बनाना, डिस्पोजल का अकाउंट बनाना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि तो सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना। ये देखें, ये बनाना है डिस्पोजल का अकाउंट। वैसे तो ये आपको कैलकुलेटर पे आना चाहिए। इसमें देखें, व्हीकल कॉस्ट 30,000, तो आपको याद होना चाहिए चार एंट्रियाँ, डिस्पोजल डेबिट होता है और मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा, ये पहली एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ 30,000 आ जाएगा। आ गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सोल्ड फॉर 9,000, तो यहाँ पे कैश आता है। वैसे मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ, तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा 9,000 से और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ कैश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब डिस्पोजल डेबिट होता है। डिस्पोजल डेबिट आईएस क्रेडिट, ये 1,500 इधर आ जाएगा और 1,500 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इधर आता है, प्रॉफिट इधर आएगा, आईएस इधर लिखेंगे 1,500, और इधर ये डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी। 30,000 में 1,500 ऐड कर लें, 30,000 में 1,500 ऐड कर लें। ठीक है, ये 31,500 हो जाएगा। माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 9,000, 22,500, तो ये आ जाएगा 22,500। इसके हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। समझ आया? कोई नहीं। कंफ्यूजन? तो आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, एक मिनट बाद देखते हैं क्या राइट ऑप्शन। जी, सेकंड का राइट ऑप्शन क्या है? क्या पूछा है? अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओन्ड बाय अ सोल प्रोप्राइटर परचेज अ मोटर व्हीकल, दिस इज चार्ट टू मोटर एक्सपेंस अकाउंट। जब आप मोटर व्हीकल परचेज करते हैं ना बिजनेस के लिए, तो आप पहले जनरल जनरल सोचा करें। ठीक है, कोई एक्सपेंस हो या परचेज ऑफ एसेट हो, आप बस जनरल जनरल सोचा क्या है, क्या सोचा है, क्या लिया? मोटर व्हीकल ना, इसका मतलब मोटर व्हीकल डेबिट होना चाहिए। ठीक है, बैंक या अकाउंट पेबल क्रेडिट होना चाहिए, ये है। अब बताएं मिस्टेक क्या होगी? मिस्टेक क्या होगी? हाँ, ये कह रहे हैं दिस इज चार्ट टू मोटर एक्सपेंस, यानी आपने गलती से मोटर एक्सपेंस में डाल दिया। ये ठीक है, अकाउंट जी।
अकाउंट पेबल अपनी जगह पे ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द एंड ऑफ ईयर बैलेंस शीट। ठीक है तो इसमें मोटर व्हीकल रिकॉर्ड नहीं हुई, मोटर व्हीकल, तो अगर मोटर व्हीकल क्या होता है, एसेट है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आपका नॉन करंट एसेट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, नहीं, मोटर व्हीकल डिक्रीज हो रही है तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना। ठीक, अच्छा अब इनमें से बताएं कि कहाँ कहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, ए में और डी में आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ तो ए सही है या डी सही है, ऐसे ही है, अपने लॉजिकली सोचना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आपने मोटर, यह मोटर एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्या चीज डिक्रीज होती है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या चीज डिक्रीज होगी। पहले कैपिटल तो लिंक बनाया ना, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना, क्या डिक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट जब डिक्रीज होगा तो इससे कैपिटल डिक्रीज होगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट वहां पे ऐड होता है ना। अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें इसमें मिल रहा है, यहाँ पे तो करंट एसेट की बात कर रहे, करंट एसेट का यहाँ कोई लेना देना नहीं। क्लियर, अब ये थर्ड देखें, मैं एक सेकंड आ रहा हूं, आप थर्ड को गो थ्रू करें और मुझे आंसर बताएं। हाँ भी गो थ्रू किया आपने, तो इसमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन 2 साल इसकी टाइमलाइन, 2 साल बन रही है, 1 जनवरी, 4 साल टाइम नहीं 1 जनवरी 2007 को परचेज किया, द कंप्यूटर फ्रेम। यूज फॉर 4 ईयर, ठीक है उसकी लाइफ है, आफ्टर विल टाइम इट विल बी सोल्ड फॉर 280। द बिजनेस यूज द स्ट्रेट लाइन मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वट इज द डेम चार्ज फॉर द ईयर एंड 31 डिसंबर 2008। यानी सेकेंड ईयर का डेम पूछ रहा है ना ये। ओके, तो बेसिकली इसकी कॉस्ट कितनी है, 2200 ना, और ये स्ट्रेट लाइन मैथड यूज कर रहे हैं। अच्छा तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, होता है ये एनुअल डेप्रिसिएशन एडी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, इस केस में ठीक है कॉस्ट कितनी है, 2200, ठीक अच्छा है। ओके एक सेकेंड, तो इस केस में डिस्पोजल वैल्यू जो है वो 280 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2200 माइनस 480, नहीं सॉरी 280 माइनस 280 डिवाइड
डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसका आंसर आएगा 480। एक दफा फिर गो थ्रू कर लें। जी समझ में आ गया आपको? कोई नहीं। कंफ्यूजन? ये फार्मूला है कॉस्ट माइनस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 2200, ठीक है, डिस्पोजल वैल्यू 280, ये माइनस करेंगे और क्योंकि उन्होंने दिया है एंड विच टाइम इट विल बी सोल्ड। तो उसके बाद क्या कहते हैं डिवाइड बाय लाइफ, या प्लस 480 आ गया। सही। अब क्वेश्चन 4 जरा पढ़ें। पढ़ लिया क्वेश्चन आप, क्या अच्छा फाइंड करना है? हाउ मच शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट? ओके, अच्छा इसमें ये डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द स्टेशनरी अकाउंट फॉर बिजनेस। अब ये स्टेशनरी अकाउंट है, इसको हम इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 600 है। तो स्टॉक आपका एसेट होता है ना, स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। हम इसको टी अकाउंट बना के सॉल्व कर लेते हैं, स्टेशनरी का टी अकाउंट बनाते हैं। ओके तो ये आ रहा है 600। तो ये आपको क्या एसेट है ना, ओपनिंग एसेट है, और ओपनिंग एसेट को ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा कैश पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, हमने कैश पे किया है, तो इसका मतलब स्टेशनरी डेबिट कितना? 7000। और कैश क्रेडिट, तो पेमेंट हमेशा यहाँ पे डेबिट, ये एक्सपेंस है या स्टॉक का अकाउंट होता है, आपने पेमेंट यहाँ पे शो करनी है। पेमेंट हो या ऑन क्रेडिट हो तब भी यही शो कर, डेबिट साइड पे है, ठीक है। परचेज ऑफ स्टेशनरी या पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ये आपने डेबिट साइड पे शो कर। इवन ऑन क्रेडिट भी होगा, इसको दोबारा बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी स्टेशनरी आपने डेबिट कर दिया। अब स्टेशनरी हो या कोई एक्सपेंस हो, वो या तो या फर्स्ट क्लास 7000 की कैश है तो कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर अकाउंट पेबल है तो अकाउंट पेबल कर देंगे। समझ आ गई? तो जी स्टेशनरी अकाउंट में आप डेबिट करें। क्लियर? अच्छा उसके बाद कह रहा अमाउंट ओइंग पर स्टेशनरी एट एंड ऑफ ईयर,
अगर कोई अमाउंट, चाहे वो कोई क्या बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट हो या इस तरह का स्टेशनरी टाइप का कोई अकाउंट हो, यानी इन्वेंट्री टाइप का अकाउंट हो, और क्लोजिंग ओइंग आ रहा है, क्लोजिंग ओइंग, ये क्लोजिंग है ना, एट द एट एंड ऑफ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग है। अच्छा अब ये वर्ड याद रखें, ओइंग अक्रूड एरियर अनपेड, ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, ओइंग अक्रूड एरियर अनपेड और क्या होता है आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड आपने याद रखने, ड्यू, इन सब का मतलब एक है। क्लोजिंग अक्रूड है ना, यहां पे कैरी डाउन करेंगे, कितना है 480। अगर ये ओपनिंग अक्रूड होता तो आप यहां ब्रॉड डाउन कर दी ओप, ठीक है। और अब दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफ ईयर, बस यहां पे स्टॉक कैरी डाउन, ये हमने ये भी दिया हुआ है, कितना है 800। कितना है 800, तो इसका जो एक्सपेंस होगा वो आईएस होता है, वो हम यहां निकालें, इन चारों को ऐड करें, 480 माइनस 800 माइनस करें तो एक्सपेंस आ जाए, ये होगा 600 प्लस 7000, 600 प्लस, डेबिट दोबारा बोले, हाँ साइड की टोटल बता रहा है ना इसमें तो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, और क्रेडिट साइड पे 800 आ रहा है, माइनस करेंगे तो आपके पास आईएस की वैल्यू आ जाएगी, 600 प्लस 7000 प्लस 480, 8080 माइनस 800, 7280। तो इसमें पार्ट सी को राइट होना चाहिए, और पार्ट सी ही राइट है, 7280, और ये आपका ये राइट है, ठीक है। जी यहाँ ये सब क्लियर है, जी फोर हो गया। हाँ अब ये फाइव, डेवलपमेंट कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड, आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद है, अगले में हमने किए थे, पहला है बिजनेस बिजनेस एंटिटी, दूसरा है हिस्टोरिक हिस्टोरिक कॉस्ट, तीसरा है मैचिंग, चौथा है मटीरियलिटी। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर, ठीक है, बिजनेस इज अ एक सेपरेट एंटिटी, सही है, जी हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब है कि जिस कॉस्ट पे एसेट परचेज किया था उसी कॉस्ट पे आपने शो करना, तो जब हम बनाते हैं ना लेजर अकाउंट एसेट का, नॉन करंट एसेट का, उसमें आप देखें कि ईच ईयर हम सेम कॉस्ट ही रखते हैं, अंटिल अंटिल कोई चेंज ना आ जाए, मतलब जिस आपने 10 साल पहले जिस कॉस्ट पे एसेट परचेज किया था वही कॉस्ट उस वक्त तक रहनी चाहिए जब तक कि वो एग्जिस्ट करे, तो कहते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। फिर है मैचिंग, मैचिंग का मतलब होता है कि करंट ईयर का एक्सपेंस है वो करंट ईयर के रेवेन्यू से माइनस होना चाहिए, यानी सेट अप होना चाहिए, चाहे आपने एक्सपेंस पे किया है या नहीं किया है, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव किया है या नहीं किया, लेकिन उसको आपने करंट पीरियड के अकॉर्डिंग ही सेट अप करना, ठीक है। तो और डी का मतलब है मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब है कि अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए, तो उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड कर, अगर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा अमाउंट है जैसे स्टेशनरी का होता है, तो उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले, समझ आ गई बात, इसकी थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब यहां पे कह रहे हैं डेवलपमेंट कॉस्ट आर कैपिटलाइज, हमने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की थी उस पे कॉस्ट इनकर्ड हुई थी,
और उसको हमने बेसिकली कैपिटलाइज कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कंसिडर कर दिया। क्या है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल बीइंग अप्लाइड, क्योंकि इसको हमने एज ए परचेज ऑफ एसेट ट्रीट किया है, ठीक है। तो ये करंट पीरियड का एक तरह से एक्सपेंस है या कॉस्ट है, इसलिए मैच इसका आंसर है मैचिंग। इसका आंसर क्या है, क्योंकि अच्छा ना तो ये बिजनेस एंटिटी है, ना ये हिस्टोरिक कॉस्ट है, ना मटेरियलिटी है। तो हम डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉर्मली वंस ए ईयर होता है, ठीक है। उसके अपने कुछ फीचर हैं, यानी एक तो यानी हर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, लाइफ इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो हमने कोई डेवलपमेंट कॉस्ट परफॉर्म किए उसको हमने कैपिटलाइज करने का मतलब है कि वो एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाए। तो ये बेसिकली रिलेट कर रहा है मैचिंग के साथ, ठीक है। अब नंबर सिक्स पढ़े जरा। जी पढ़ लिया आपने, कुछ जी समझ में आया? एक तो करंट पीरियड की नहीं सेल कितनी है, 80,000 है, ठीक जी है। फिर कह रहा है गुड डिस्पैच टू कस्टमर इन नवंबर 2008 एंड इनवॉइस इन दिसंबर 2008 5,000, गुड्स इंक्लूडेड इन सेल्स फॉर नवंबर 2008 ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस बट ओनली सोल्ड इन दिसंबर 2008 एट इनवाइस प्राइस 10,000 एंड कॉस्ट प्राइस 8,000, विच अमाउंट विल अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज सेल्स फॉर द ईयर एंड। क्योंकि आप जो एज सेल है तो कॉस्ट प्राइस हम भूल जाएंगे, हमें डिसाइड करना है कि जो 10,000 है इसको हमने ट्रीट करना है या नहीं, क्योंकि कह रहे हैं गुड्स इंक्लूडेड इन सेल्स फॉर नवंबर 2000, यानी जो 80,000 है उसके अंदर ही 10,000 की गुड्स इंक्लूड है ऑन अ सेल और रिटर्न बेस बट ओनली सोल्ड इन दिसंबर 2000। इसका मतलब 80,000 में से 10,000 माइनस हो जाए, ये बात क्लियर। सर हमने टोटल सेल की है 80,000 की, कितनी सेल की है, और यहाँ कह रहा है गुड्स इंक्लूडेड इन सेल्स फॉर नवंबर 2008 यानी इसकी बात कर रहा है ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस बट ओनली सोल्ड। तो इसका मतलब नेक्स्ट और बिजनेस पीरियड आपका 30 नवंबर का एंड हो रहा है, बिजनेस पीरियड का एंड हो रहा है 30 नवंबर। तो हमें 30 नवंबर के हिसाब से सेल्स को फाइंड आउट करना है या रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है। अब तक के हिसाब से ये रेवेन्यू आपका 80,000 बन रहा है, लेकिन ये 10,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये सेल हो रहा है दिसंबर में, इसका मतलब ये करंट पीरियड की सेल नहीं है।
सेल इनवाइस प्राइस का मतलब है सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिटरमिन नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम करते हैं इन्वेंट्री के लिए, सही है। 80,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 70,000। अब आगे बात इसकी, गुड डिस्पैच टू कस्टमर डिस्कवर, आपने नवंबर 2008 में गुड डिस्पैच कर दी थी, लेकिन बिल आपने दिसंबर भेजा, एक तरह से ये नवंबर की सेल है, किसकी सेल है, तो ठीक ये इंक्लूड हो जाएगा 5,000। तो इसका आंसर ए है, सही ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके, अब 7 पे आ जाते हैं। इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली रियलाइज प्रॉफिट एंड नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मस्ट बी ब्रॉट इन टू अकाउंट। इन एडिशन ऑल पॉसिबल लॉसेस मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कह रहा है जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ओनली रियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट का मतलब है कि जो गुड सेल हो गई, चाहे पैसा आया नहीं आया, लेकिन गुड सेल हो गई है, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। एंड नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, वो गुड जो अभी सेल नहीं हुई लेकिन फ्यूचर में सेल होगी, तो फ्यूचर में जब सेल होगी तो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, तो एक तरह से वो अनरियलाइज प्रॉफिट है या एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है। मस्ट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मस्ट बी ब्रॉट इन टू अकाउंट, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसको आपने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना। इन एडिशन ऑल पॉसिबल लॉसेस मस्ट ऑल्सो बी टेकन, और फ्यूचर में जो भी पॉसिबल लॉसेस इनकर्ड हो सकते हैं उनको आपने लाजमी कंसिडर करना, ठीक है। नंबर 1, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या अनरियलाइज प्रॉफिट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, बट एंटिसिपेटेड लॉसेस या अनरियलाइज लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज पॉसिबल। पूछ रहा है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डज दिस डिस्क्राइब, ये है प्रूडेंस। प्रूडेंस ये कहता है कि फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उनको तो आप एज एज रिकॉर्ड, जैसे एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, हम व्हीकल परचेज करते हैं या कोई भी एसेट परचेज करते हैं, एक तो हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन उस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है ना वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका पॉसिबल लॉसेस है, इसीलिए हम पहले से उसका एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, क्योंकि गाड़ी डैमेज हो सकती है, गाड़ी थेफ्ट हो सकती है, एसेट के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, तो उसको तो आपने एज सून एज रिकॉर्ड कर लिया। और ठीक है, और क्या बताना था, हाँ, जैसे सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, हम सेल करते हैं ना ऑन क्रेडिट, तो सेल जब ऑन क्रेडिट करते हैं तो बेसिकली आप रिस्क पे आ जाती हैं, किस पे आ जाती हैं, यू बिकम एट रिस्क, ठीक है। जब आप रिस्क पे आ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी पैसा अगर 1 लाख की सेल की, पैसा हो सकता है आए, पैसा हो सकता ना आए, तो लॉस तो इनकर्ड हो सकता है, तो जी हर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से पॉसिबल लॉस इनकर्ड हो सकता है उसके लिए आपको पहले से रिजर्व क्रिएट करना होगा, ठीक है। और अगर कोई पॉसिबल प्रॉफिट होगा अभी रियलाइज नहीं हो, उसको आपने इग्नोर करना, तो ये प्रूडेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ लें, कौन सा है, हाँ 8 को जल्दी से कर लें। ठीक
समझ में आ रहा है? इसे क्या आंसर होगा? पार्टी पार्ट बी, जी बी फॉर बॉल। जी ओके कैसे? बी क्यों है? आंसर जी आपका राइट है, बट बाय बताया जरा। हाउसिंग की, और इसको डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था, वो 1700, और ये और क्योंकि पैसे की इन्फो है तो गैर साइट पे। हाँ, तो बेसिकली 700 की जो डिस्काउंट मिला है ये क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था ना। तो जी क्रेडिट 700 से आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो नीचे चला गया है ना। ठीक है, जी फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन वाज सोल्ड पर 1000, तो देयर वाज ओनली वन एंट्री मेड एंड इट वाज अ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर वाज ओनली वन एंट्री मेड एंड इट वाज अ क्रेडिट इन द बैंक बैंक अकाउंट, यानी जो आपने सेल की है तो बैंक जी उसको क्रेडिट कर दिया। तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट? तो 1700 डेबिट, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 700 से तो क्रेडिट साइड नीचे गई और फर्दर हाँ 1000 से ये क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो गई। तो अब डेबिट साइड आपकी 700 से इंक्रीज होगी ना, तो डिफरेंस उधर ही आएगा। ठीक है, ओके। जी बस ये 10 तक करते हैं। ठीक है, ये जरा 9th पढ़ें।
हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या जी आंसर है इसका? कैलकुलेशन किया आपने? हाँ कैलकुलेशन सबकी सही है ना। पार्ट नहीं, मतलब आपको राइट ऑप्शन क्या है? पेपर सी कैट? जी नहीं, का राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, कह रहे द करेक्ट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 63,000। इसका बैलेंस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बट हैड बीन इंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस एज 36,000, तो कितना डिफरेंस आया? 27,000 का। द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस हैज बीन इंटर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट विच जर्नल एंट्री करेक्ट द सेल। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अंडरकास्ट किया ना आपने? क्या किया आपने? तो जाहिर है फिर आप परचेज लेजर को क्रेडिट करेंगे 27,000 से, मैंने क्रेडिट कर दिया, सही है। फिर डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस, सही है। ये तो क्या सी में तो गलत हो जाएगा? सी में सिर्फ सस्पेंस डेबिट हो रहा है, बाकी डैश लगा। पर और वो कह रहे हैं कि परचेज लेजर आपने 27,000 कम लिखा है ना, ट्रायल बैलेंस पे कम लिखा है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये देखें, 10। डिफॉल्ट डी, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल। ये कह रहा है हु इज द सी हु इज द मोस्ट लाइकली टू यूज द क्रेडिटर लेजर। तो ये करेंगे ना परचेज कंट्रोलर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर, जिससे आप गुड्स परचेज करती हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये होगा, ठीक है। तो जी इसको एंड करें आज। जी चल, वैसे मैं ट्राई करूंगा कल 7:30 आप क्लास ले लूँ, अदरवाइज ठीक है। बाकी ये कि आपकी रेगुलर क्लासेस में रहूँगा, क्या नाम है, फ्राइडे ऑनवर्ड। ठीक है, अभी ये थोड़ा फ्राइडे तक प्रेशर, फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।